Hello friends, subscription will not cost you anything but means a lot to me. So please subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notified about all my new uploads. हाय एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और मेरे चैनल का नाम है ग्लिटर गर्ल आयशा। तो आज आप मुझे देख रहे हैं मेरी फ्रेंड दानिया के चैनल पे इंडियन ब्यूटी ऑन ड्यूटी पर। तो हमने कोलैबोरेशन वीडियो किया है जहाँ पे मैंने भी ये विंटर मेकअप लुक को क्रिएट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर भी विज़िट करें और इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है विंटर मेकअप स्पेशल। अगर आपकी भी स्किन ड्राई है और जब भी आप मेकअप करते हैं और आपकी स्किन में फ्लेक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप पूरा दिन कॉन्शियस रहते हैं कि आप कैसा फेस लग रहा होगा, कई बार आईलिड चैप्ड हो जाती है, कई बार अराउंड लिप्स एंड फेस, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करे हैं जिससे जो है मेकअप काफ़ी ईवन लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद ग्लिटर गर्ल आयशा। तो ये हम दोनों का, मेरा तो पहला कोलैब वीडियो है ये, और ये उनका चैनल भी काफ़ी अच्छा है, आप विजिट करिएगा। शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन ब्यूटी एंड मेकअप, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए बाकी की बातें बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रब करना रेगुलरली, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक अपनी स्किन को स्क्रब करें। जब ही आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव होगी और आपकी स्किन जो है स्मूथ बनेगी और फिर मेकअप जो भी आप करेंगे वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैंने स्क्रब करा, उसके बाद टोनर के लिए मैंने बायोटिक का टोनर इस्तेमाल करा जो अभी आपको दिखाया है मैंने, और लोशन के लिए, मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने सेटाफिल का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन इस्तेमाल करा है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी तो मैंने इसका इस्तेमाल करा है। और इसका वैसे मैं हाइड्रेटिंग लोशन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है तो इसी का इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का ये कंसीलर, इसका शेड मैंने मैंशन कर दिया है FS22। और मुझे हाल ही में एक पिम्पल हुआ है तो उस पर मैंने डैप करके लगाया है, अराउंड माई आईज़ इसको लगाया है टू कवर माई डार्क सर्कल्स, और अराउंड माउथ और अराउंड नोज़ भी इसको थोड़ा सा लगा लिया है। अब आईज़ पे मैं जो है रिंग फिंगर की हेल्प से कंसीलर को स्प्रेड कर रही हूँ, बिकॉज रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है अराउंड योर आईज़, एंड ये ठीक रहता है कि अगर आप इससे अपनी आईज़ पे जब भी कंसीलर लगाएं और जब भी क्रीम लगाएं तो भी रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करें। एंड इसी तरह से मैं पूरे ही जो कंसीलर है जहाँ भी मुझे लगाना था मैंने उसको स्प्रेड कर लिया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस सीसी क्रीम बाय लैकमे, दिस इज़ कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। मैं डे टाइम्स में यूजुअली फाउंडेशन अवॉइड करती हूँ और ये मेरा मुझे काफ़ी अच्छा है ये फाउंडेशन, थोड़ा सा टेंट है इसमें एंड प्लस इसमें सनस्क्रीन है, तो मैं ये यूजुअली यूज़ करती हूँ डे टाइम में और विंटर्स में ये काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने इसी का इस्तेमाल करा है। कंसीलर से पहले फ्लॉस को हाइड करा है और फिर ये सीसी क्रीम में लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर टिप्स ओनली। देखिए मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है कि स्किन काफ़ी ज़्यादा जो ड्राई होती है वो फाउंडेशन जब भी आप लगाते हैं तो बिल्कुल फ्लेकी नहीं लगती और एक ग्लो आ जाता है आपके फेस पर और फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। तो मैंने प्राइमर तो नहीं लगाया लेकिन मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा लगाया है और उसके बाद मैं इसको इस सीसी क्रीम से कवर कर रही हूँ। मैं कोई सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन पहले ही ड्राई है और अगर मैंने कोई भी पाउडर का इस्तेमाल करा तो फिर मेरा मेकअप फ्लेकी लगेगा। और अब ब्राउज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन की फैशन ब्राउ पेंसिल, इसका शेड है ब्राउन और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हो जाती है आईब्रोज़ पर, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और ये काफ़ी नेचुरल लुक देता है। आईब्रो के लिए अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो मैं अपना एक वीडियो मैंने सेपरेट किया था आईब्रोज़ पे, तो वो उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप प्लीज़ देख सकते हैं। दूसरी आईब्रो मैंने ऑफ स्क्रीन कर ली है। एंड फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग द आई शेडो टुडे, एंड द रीज़न इज़ कि समटाइम्स ये मैं विंटर मेकअप लुक कर रही हूँ और समटाइम पाउडर आई शेडो यूज़ करने से भी हमारी जो जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो स्पेशली आईलिड्स भी ड्राई होने लगती हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अब यूज़ करी हुई ये मार्स की पेंसिल, इसका शेड बर्गंडी है और ये मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ। इसी से एक विंग आईलाइनर लगाऊंगी, कोई आईशेडो का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये पेंसिल काफ़ी क्रीमी है, आप चाहें तो क्रीम बेस्ड आईशेडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं ये क्रीमी पेंसिल जो है मेरे पास मार्स की, इसी से मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये शेड डे टाइम में काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटर कॉर्नर पे इस लाइनर पेंसिल को, जो कि लिप लाइनर का माई लाइनर पेंसिल है, इसको मैंने विंग आईलाइनर की तरह लगाया है, जिसमें कि आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्रॉड लगाया है और अब जब मैं इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ तो इसको थोड़ा सा थिन अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट ये काफ़ी परफेक्ट विंग आईलाइनर लुक दे। ये पेंसिल मैट है प्लस थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है, तो ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा और ये लॉन्ग लास्ट रहेगा, एटलीस्ट फॉर 5-6 आवर्स। तो आप चाहें तो इस तरह की पेंसिल से अपना एक न्यू आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे, लेकिन आप, मैं इसको पूरा काजल की तरह ग्लाइड नहीं कर रही हूँ, बस पार्शियली इसे अप्लाई कर रही हूँ टू दी आउटर हाफ ऑफ माय लोअर लैश लाइन। मैं चाह रही थी कि कुछ दूसरा क्रीज लुक क्रिएट करूँ, लेकिन वो थोड़ा गॉडी हो जाएगा डे टाइम के लिए, तो मैं अपना आई मेकअप को यहीं स्टॉप करती हूँ। तो ये है मेरा आज का आई लुक फॉर दिस विंटर मेकअप स्पेशल। तो ये दोनों आईज पे मैंने कर लिया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस एनेस्थीजिया ग्लो किट, और इससे मैं, ये जो शेड है स्नो, दिस इज पाउडरी एंड वाइट सिल्वर शेड है ये, और इसको मैं लगा रही हूँ अपनी ब्राउ बोन पे। जब कभी मैं मेकअप ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ विदाउट ब्रशेस एंड वन एवर आई एम इन हरी, सो आई एक्सक्लूड द यूजेस ऑफ ब्रशेस और मैं इसी से लगा लेती हूँ। आप चाहें तो एक फ्लैट आई शेडो ब्रश से भी हाइलाइटर लगा सकते हैं या फिर फैन ब्रश से। और इसको मैंने लगा लिया है ब्राउ बोन के बाद अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, और मेरी चीक बोन पे भी मैंने हाइलाइटर लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा सा ग्लो ऐड करने के लिए मैंने क्यूपिड बो पे भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर की उतनी ज़रूरत तो नहीं थी मुझे आज, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज इतने अच्छे से कराया स्किन को कि स्किन मेरी ऑलरेडी ग्लो कर रही है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का चीकी ग्लो। इसका भी शेड और सारी चीज़ों का जो कम्प्लीट डिटेल्स है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा सारी प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो यूजिंग अ ब्लश ब्रश मैं इस ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ टू द एपल ऑफ माई चीक्स। And also I am adding a bit color to my nose because winter mein jo hai it gives a natural effect if you have a pinky nose. To main thoda sa apni nose pe bhi apply kar rahi hu, do thand mein niklo to naak lal ho hi jati hai anyways. Ab main apply kar rahi hu ye lipstick, finally hum lipstick pe aa chuke hain, aur ye hai matte lipstick, name hai iska glam 21, it is matte me. Shade wagaira jo hai don't worry, main description box mein zarur mention kar dungi. Aur isko main डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है लिक्विड लिपस्टिक से, जो कि बिगिनर्स नहीं होते, तो आप पहले लिप्स को लाइन करें, आउटलाइन करें, उसके बाद ही लिक्विड लिपस्टिक का इस्तेमाल करें। मैंने लगा ली है लिपस्टिक और अब इसको मैं जहाँ भी फ्लॉज हैं थोड़े बहुत उसको फिल कर रही हूँ, गैप्स जो हैं उन्हें फिल कर रही हूँ अच्छे से। बहुत ज़रूरी है लिपस्टिक के साथ, आपको लिक्विड लिपस्टिक जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको इतना कंफर्टेबल नहीं है आप, तो पहले आउटलाइन ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ अगर एक बार मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है उसको रिमूव करने में, बिकॉज ये मैट लिपस्टिक होती है, लॉन्ग लास्ट होती है और बहुत जल्दी ड्राई आउट होती है। और आप देख सकते हैं मेरा बेबी उठ चुका है और मेरा वीडियो भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। So this is the complete look for winters, and now my baby is also awake. Tini, say bye, bye bye. And I'm just shooting right in front of the sunlight, so that's the light which is spreading all over the face. So just let me take the camera.
तो ये था मेरा विंटर मेकअप लुक. आई होप आपको पसंद आया होगा. आई डिड माई हेयर डू बिकॉज ये उठ चुके हैं और अभी मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे. और जी शोना बीबी ने कितनी प्यारी एंट्री करी है आज. सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यस बीबी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. He's hungry now. Bye bye. She bye. अरे कुछ बोल तो दो. अच्छा चलो ठीक है. Bye bye.